हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट लाइन पर कमेंट करके यह बताएं कि टेस्ट सीरीज़ के प्रत्येक वीडियो में कितने प्रश्नों को रखा जाए, और आपके कमेंट के आधार पर ही मैं अपने अगले वीडियोज़ में प्रश्नों की संख्या को सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगा। इसके अतिरिक्त मेरी आप लोगों से यह शिकायत भी है कि मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आपसे रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में देखा। टेस्ट सीरीज़ को लेकर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत कम हैं जिन्होंने सीरियसली प्रश्नों का उत्तर दिया हो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी हतोत्साहित करेगी। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो प्रथम तीन व्यक्ति जो टेस्ट सीरीज़ के प्रत्येक वीडियोस में जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर देंगे, मैं उनका नाम जो है वीडियो के अंत में प्रोत्साहन स्वरूप अनाउंस करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रश्नों को। जैसा कि टेस्ट सीरीज पार्ट वन में हमने 14 प्रश्नों को कवर किया था, आज के वीडियो यानी पार्ट टू में हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, और टेस्ट सीरीज पार्ट वन के का आंसर की आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो है आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, और इसके जो विकल्प हैं वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, और डी देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो वक्तव्य या नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। आपको बताना है उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि उपयुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, और नीचे कूट दी गई है, आप पढ़ सकते हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, और इसका जो ऑप्शन है यानी विकल्प है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, दूसरा जो है आपातकालीन शक्तियाँ, तीसरा जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, और चौथा जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जैसा कि कथन एक संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, और इसका कारण है कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। उपयुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है, ये आपको कूट के माध्यम से बताना है, और कूट है आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या है, दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा आपका ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा आपका ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, और ये है आपका प्रश्न, और इसके कथन जो है सॉरी इसके विकल्प जो हैं वो है पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा विकल्प है संसद द्वारा, तीसरा है राज्य के राज्यपाल द्वारा, और चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएँ या विशेषता है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं और आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं कि पहला जो है वह है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, दूसरा जो है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तीसरा आपका केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अब कूट का यूज़ करते हुए सही आप पर उत्तर आपको देना है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक दो और तीन। मेरे द्वारा यहाँ जो प्रश्न रखे गए हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और इनकी प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। पहला आपका भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा है आपका ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है आपका स्वाधीनता अधिनियम 1947। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, और आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी है आपका गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दी हुई हैं, सूची एक सूची दो, जिनको सुमेलित करना है सही कूट का प्रयोग करके, और आप ये प्रश्न देख सकते हैं। सूची वन है ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और सूची दो है नियामक अधिनियम 1773, बी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम परिषद 1833। कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसके जो विकल्प हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स भारत का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, आप इसको 33 कर लें। आगे बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, और विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। आप अपना आंसर जो है कमेंट लाइन पर दें। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, और आपके ऑप्शन हैं 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। मैं प्रश्नों को इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको दिखाकर स्किप कर देता, मैं प्रश्नों को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको समय मिल जाए इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी है आपका क्रिप्स मिशन द्वारा और डी है आपका कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, और विकल्प हैं इसके जहाँ तक की अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, दूसरा आपका देश प्रेम की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, तीसरा है आपका प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, चौथा आपका शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीय शस्त्र को रखने की अनुमति। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, और ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, और ऑप्शन है विकल्प हैं आपके 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन एक है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है, दूसरा कारण है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। अब कूट का प्रयोग करके आपको जो है सही उत्तर देना है, ठीक है, आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, और विकल्प है आपका विल्टन ओल्डहम, लॉर्ड कॉर्नवॉल्स, सर सैयद अहमद खां, राजा शिवप्रसाद, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट लाइन पर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला अंग्रेज था, और आपके ऑप्शन है जेम प्रिपिन्स, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और अंतिम प्रश्न है ये। आज के इस वीडियो में मैंने जो है वो 20 प्रश्नों को समाहित किया है, और आपके आने वाले कमेंट के आधार पर ही मैं आगे प्रश्नों की संख्या को सुनिश्चित करूंगा।
किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ऑप्शन है आपका लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। तो ये था दोस्तों टेस्ट सीरीज वीडियो पार्ट टू। इस टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको अगले वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, यानी नेक्स्ट डे उसके अंत में जो है आपको इस वीडियो का आंसर मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कल के वीडियो के आंसर की के बारे में, जिसमें पहला है आपका PSLV C-37। आप मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कौन से प्रश्न आपसे गलत हुए हैं, ताकि आप उसको सुधार सकें। दूसरे का आंसर आपका जम्मू कश्मीर, आप उस वीडियो में जाकर देख लें प्रश्न क्या है, मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है। तीसरे का आपका आंसर है, तीसरे प्रश्न का आंसर है कनाडा। चौथे प्रश्न का आंसर आपका अनुष्टुप। पाँचवे का है आपका यजुर्वेद। छठे का आपका है गुवाहाटी। सातवें प्रश्न का है आपका दक्षिण भारत। आठवें का है KC Affleck। नवें का आपका है सम्राट। दसवें का है आपका अथर्ववेद। ग्यारहवें प्रश्न का है आपका सुधर्मा। बारहवें प्रश्न का है आपका फिरोज तुगलक। तेरहवें प्रश्न का है आपका हुसैन शाह। और चौदहवें प्रश्न का जो है आंसर है सी, यानी 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये था टेस्ट सीरीज वीडियो पार्ट वन का आंसर की, जिसे आप मिलाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्नों को गलत किया। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो है इस टेस्ट सीरीज़ में जो है लगभग 1500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और अगर आप इन प्रश्नों का एक्टिव होकर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह आंसर देंगे तो मुझे भी एक साहस मिलेगी आगे ऐसे प्रश्न बनाते रहने की है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय।